एक व्यक्ति की एक कहानी तो आपने सुनी होगी कि सोने के अंडे के लालच में एक साथ कई अंडे पाने के चक्कर में मुर्गी भी चली जाती है और अंडे भी। ऐसी एक कहानी इन दिनों सागर में एक कोबरा सांप पर लागू होती है जो कई दिनों से मुर्गी के अंडे चुरा चुरा कर खा रहा था, लेकिन अचानक सारे अंडे निगलने के चक्कर में यह लालची खतरनाक कोबरा सांप को पकड़ने वाले एक्सपर्ट के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। दरअसल सागर के कैंट क्षेत्र में सर्किट हाउस नंबर 2 में कई दिनों से एक कोबरा सांप इस परिसर में बनी मुर्गियों के पिंजरे से कई दिनों से अंडे चुरा चुरा कर खा रहा था। पिंजरे में 19 अंडे रखे थे, कोबरा सांप आया और 12 अंडे निगल गया। इसी लालच के चक्कर में वह फंस गया। जब सांप पकड़ने वाले एक्सपर्ट अकील ने सांप की पूंछ पकड़कर उसे उल्टा किया तो सांप ने एक के बाद एक 7 अंडे उगल दिए। अकील ने अब सांप को पकड़कर उसे जंगल में छोड़ने की बात की है। सुबह फोन आया था सर्किट हाउस के पास से, एक PWD का जो है ना रेस्ट हाउस है, वहाँ पर एक कोबरा सांप था। जब हमने जाके वहाँ देखा तो एक करीब 5-6 फीट लंबा कोबरा सांप था जो मुर्गी के अंडे रखे हुए थे। करीब 19 अंडों में से 12 अंडे ये खा चुका था और फिर उसी में जाली में फंस गया, ये पिंजड़े के अंदर रह गया। फिर बड़ी मशक्क़त के बाद 10 मिनट के बाद मैं इसको काबू में कर लिया। जब इसको पकड़ के लाए पूछ से उठाया तो इसने करीब 10 अंडे जो है ना बाहर निकल दिए। ये काफ़ी जहरीला बहुत खतरनाक सांप था। इकराम खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।